क्या नाम है बीबी? हिफ्जा। हिफ्जा जी। उम्र कितनी है? 19 साल। शौहर तुम्हारा अपना ही था ना? जी। निकाह किया हुआ था ना उसके साथ? जी। निकाह करके आई थी? जी। लव मैरिज करके आई थी? जी। भाग के आई थी? जी। मेरी अम्मी ने बहुत मारदे होंदे सीगे। किसको? मेरी अम्मी अबू बहुत मारदे सी मेनू। ऊंचा बोलो। अम्मी उन्हें मारदे सी ना डांट ना पर डर के। नहीं मम्मी है मेरी, सगी नहीं है। सगी अम्मी नहीं है जी। तुमने शादी भाग के कर ली? जी। मैं के हालात से तंग आ जी। ऊंचा बताओ। जी घर दे हालात तंग आके मैं शादी इन्हें ना कर ली सी। कर ली जी। फिर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि खावंत के होते हुए, जवान खावंत के होते हुए तुमने 58 साल के एक बूढ़े के साथ तलाक रख लिया? बहुत मारदे होंदे सी ते काम ते नहीं जांदे सी। जो तुम्हें मारेगा तुम उसका घर छोड़ के आगे चल पड़ोगी? काम ते नहीं जांदे सी। तुम्हें शादी करते हुए नहीं पता था? नहीं उदो इन्हां दी मोटरसाइकिल दी दुकान सी। यानी कि अगर खावंत के हालात खराब है तो हर औरत को कहोगी आगे चल पड़? नहीं जी इन्ने भी खराब ना होने के बंदा इस तरह मारे के एक दफ कर लेती। मेहनत मजदूरी की करनी मैं, मेरा आईडी कार्ड नहीं है, मेरे बच्चे की जॉब नहीं मिलती। घरों में तो मिल जाती है ना, हुनर सीख लेती है। एक नहीं करने देता इन्होंने। तुम्हें इतनी की इजाजत थी कि तुम बाहर जाके किसी मर्द के साथ ताल्लुकात रख सकती थी लेकिन हुनर सीखने के लिए नहीं जा सकती थी, समझ नहीं आ रही बात। मैं इन्हें जो भी कहती कि मैंने तलाक दे दो बहुत ज्यादा मार दे होंगे। क्यों मांगती थी? निभा करने की भी कोशिश कर सकती थी, अभी नई शादी थी। नहीं जी मैं पूरा साल डेढ़ साल देख लिया। खाने के खिलाफ जरूर हूँ लेकिन मैं औरतों के भी खिलाफ हूँ जो आगे से आगे चल पड़ती है। नहीं जी मैं पूरे 1.5 साल इन्होंने देखा कि हूँ भी काम करने लग जाएंगे, हूँ भी बंदे बन जाएंगे लेकिन 1.5 साल तुम्हारी शादी कार सा बीत गया। ऐसे में तुम्हारा शौहर निकम्मा था, तुम्हें मारता था, तुम्हें भी किसी और का हाथ पकड़ के चलने की बजाय तुम सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाती, दारुल अमान चली जाती। लेकिन क्या शादीशुदा औरत को किसी भी शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात की इजाज़त कानून देता है या शरीयत देता है? तुम्हें 3-4 महीने तो तलाक मांग रही थी। मांग रही थी वो नहीं दे रहा था, लेकिन जब तक वो नहीं दे रहा था या तलाक नहीं हो रही थी तब तक तुम उसकी बीवी थी और उस वक्त तक तुम्हें रहना था जब तक तुम्हारी तलाक है वो 3 नोटिस और 3 माह का टाइम भी पूरा ना हो जाता। जी जी मैं इन्होंने को मार खा के मार खा के इन्होंने कर रही रही लेकिन ये हूँ बहुत ज़्यादा मारा। रशीद ना मेरा तो ताल्लुक भी नहीं सी है, मारदे सी पहले ही तो हूँ मैं घर इसलिए नहीं सी रही, मैंने तो डर लगता सी बहुत ज़्यादा, छुरी चाह के कहते सी। तुम रहती थी वो भी तो मर्द था, उसकी मोहब्बत पे अंधा यकीन कैसे हो गया? कल पहले भी किसी की मोहब्बत पे यकीन करके तुम घर से भागी थी? जी लेकिन मैं जेड़ा एतबार इनते कीता सी वो थोड़ा ऊंचा बोलो। मैं इत्माद करके आ तो गई सी इनते लेकिन ये इत्माद लायक नहीं सी। अगला बंदा था वो फरिश्ता था उन मेरे सामने जिस तरह दे भी कहंदे कि नशा वेदा सी ये वो लेकिन मैंने उस गल दा बिल्कुल इल्म नहीं सी। तुमने उसके साथ ताल्लुकात इस्तेमाल कर लिए? लेकिन मैं उन्होंने यही कहने शुरू तक मैं शादी करनी है मैंने तुसी अदालत में लेके जाओ। तकरीबन महीने तो महीना मेरी फोन पे गल हुई उन्होंने नाल ते मैं तुम्हारे पास इतनी स्पेस थी कि तुम फोन पे बात कर सकती थी तो तुम्हारा जबर तो नहीं था घर में? जी नहीं। तो चाहती तो कोई हुनर सीख सकती थी? हुनर मेरा सिलाई दा है लेकिन मेरी नज़र कमज़ोर, बहुत ज़्यादा सिलाई होंदी नहीं है। जितने फ़ोन पे इजी पैसा पे बैलेंस लगाती थी, कार्ड डलवाती थी फ़ोन के, उतने में चश्मा भी बन जाता। मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। इंसान की आंखों पे जब इश्क की पट्टी बनती है तो उसे नज़र कुछ नहीं आ रहा होता। जी आज समझ आ रही है ना कि क्या हुआ है? तुम्हारे खावत को कब पता चला? 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले जी। तुमने प्लान किया खामत के साथ मिलके उसको मारने का? जी नहीं मेरे इल्म में चीनी सी है कि मार देने के उन्हें। खामत को जब पता चला तो उसने तुम्हें छोड़ दिया? मार दे होंगे सी फिर इन्हें उन्हें कोल में रहना बंद कर दिया। फिर तुम कहाँ चली गई? रशीद को। फिर रशीद मैंने जी तलत वकील मुंशी को लै गई सी कि तलाक करवाने वास्ते। इन्होंने पता चल गया सी कि मैं तलाक लै रही हूँ। इन्होंने मेरी अम्मी उन्होंने फोन किया कि आके ला जाओ इन्हों तो मेरी अम्मी होनी फिर मैंने ला गया सी। इन्होंने पिछों उन्होंने कतल किया मैंने नहीं पता कदों किया तो ड्रामेबाजी नहीं चल रही सच चल ना। हाँ जी मैंने नहीं पता कदों किया कदों इन्होंने नहीं किया। ऐसी कौन सी बात तुमने खामत को बता दी थी या उसने कैसा क्या देख लिया था? पहले मैं रशीद को आँदी सी तो ये पैसे वगैरह लेंदे सी उन्होंने को ते मैंने नहीं पता है तो हूँ पता हूँ दस दे तुम्हारे आशना के पास जाकर वो उससे पैसे भी बटोरता था उन्होंने इलम वेच है सी है। अच्छा
लेकिन ये कहते कि मैं को तलाक ना लवान जो तो मैं तलाक मंगनी शुरू करती ये लड़ाई उदो तो शुरू हुई है जो तो तलाक मंगनी शुरू करती इन्होंने मैं मारना शुरू करता और यही वजह है कि इसी वजह तो उन्होंने कतल किया कि मैं को तलाक मंग रही सी इस अगर इसलिए कतल करता तो मैं कोने से डरता तो ये थ्रेट तुम्हें देता जी यही तो वजह है कि मैंने क्यों नहीं मारिया इन्होंने समझ नहीं आ रही ना बात जी मतलब तुम शामिल भी हो सकती हो नहीं मैम मैं तकरीबन जिस दिन घर गई हाँ बुध का दिन सी है बुध वाले दिन मेरी अम्मी अबू आके मैं पिछले लै गए तो इनू ही आसफ न जानी कि जो मेरे अम्मी है इनू भी कहा कि तू नाल चल नहीं हुई सी मेरी अम्मी कह रही थी कि जाके तलाक उत्थे करवानी दे रही इतने नहीं करवानी मेरी अम्मी कहती आसफ तू साडा घर नाल नाल ही है मेरे मियाँ का तो मेरा इनकी अम्मी अबू भी आए तो मेरे भी इनकी अम्मी अबू इनू लैन आए थे तो उन्होंने ये गल कही कि तलाक करवानी जो भी करवाना उत्थे जाके करवाइयो घर तो आसफ तू ही नाल चल आसफ ने यह गल कही कि अम्मी तुम हिफदा एक दफ़ा लै चलो जानी कि मैं तो मैं समान वगैरह क्लोज करके कल न आ जाऊँगा अम्मी उन्हें कहें ठीक है तू चार पाइया वगैरह जो भी लैके आना तो सुबह तक पहुँच आवी तू इन्हें कहा ठीक आ तीन दिन बाद गया वा तो इन्हें जाके नहीं दसिया कि मैं कतल करके आया मैं उस दिन पत कतल का पता चलिया कि रशीद कतल हो गया जिस दिन मैं पुलिस पकड़ के लिया इतने जी नहीं इन्होंने दसिया नहीं मेरा मैं तकरीबन जिस दिन पहुंची हाँ जुमेरात वाले दिन बुध वाले दिन मैं गई हाँ जुमेरात वाले दिन 9:30 बजे तो मैं नंबर ट्राई किया रशीद का लेकिन नहीं मिल रहा मैं समझी कि वह मेरे ना धोखा कर रहा है जिस वजह तो उन्हें नंबर बंद कर रहा और नहीं हूँ मेरे गल करना चाह रहा मैं समझी मेरा आस पास नहीं मेरा किसी को नंबर ना मैं किसा लिया उन्हें तो अलावा ना उन्हें भैन भाई मेरे उन्होंने घर आनी जानी है सी उन्होंने वालदा नाल भी भैन भाइयों नाल लेकिन मैं नंबर कभी नहीं सी लिया बस यही गलती होगी कि मैं नंबर नहीं लिया उन्होंने अभी भी कह रही हो गलती होगी तुमसे तो बीबी गुनाह हुआ है जी बिल्कुल क्योंकि अगर पहले पता चल सच बोल रही है इसमें झूठ का अंतर कितना शामिल है हमारे साथ लेडी कॉन्स्टेबल भी मौजूद हैं आप इसके साथ रहती हैं हर वक्त कोई ऐसी बात इसने आपसे की हो जिसमें आपको लगा हो कि ये भी झूठ बोल रही है और आपको इसने लड़की में कुछ सच भी बताया नहीं इस तरह की तो कोई बात नहीं मतलब इसने बताई और जहाँ तक हम कह रही है ये सब ऐसे ही है बिल्कुल जी बिल्कुल यही है चेंज तो नहीं हो रहे नहीं बिल्कुल भी नहीं मैनिपुलेट तो नहीं कर रही नहीं बस जो चीज़ ये बता रही है कि इसके अम्मी अबू की डेथ हो गई तो मामी मामा भी मारते थे मैंने स्टेप ले लिया भागने का मियाँ के पास आई मियाँ ने भी वही मार पीट यही बयान जो हमें ये बिल्कुल बिल्कुल सच है जी बिल्कुल देखती है क्यों आप भी खातून समझ नहीं देती है जी बिल्कुल नहीं देती खुला का इख्तियार है बिल्कुल खामद उसका अच्छा नहीं है वो खुला ले सकता है जी बिल्कुल और खुला ले सकती है बिल्कुल इसी तरह लेकिन क्या किसी शादी किसी के निकाह में रहते हुए मनकूह होने के बाद आप कहें मेरा खामद कमाता नहीं है इसलिए मैंने फलां के साथ ताल्लुकात रख लिए क्या कानून इजाजत देगा इस बात बिल्कुल ना तो कानून देता है ना ही हमारा इस्लाम इजाजत देता है ना कानून देता है ना दीन देता है